कहते हैं कि जिन्हें मंजिल की तलाश हो उन्हें मंजिल मिल ही जाती है, मगर हमारे लिए इन मंजिलों को बनाने का सफर यूं ही चलता रहता है उम्र भर, क्योंकि हम वो हैं जो देश के लिए नई मंजिलें बनाते हैं, एक कहानी लिखा करते हैं जो बस चलती ही रहती है, सफर में नई मंजिलें जोड़ते हुए चलती ही रहती है। हम हैं क्रेडाई, हमें हौसला देते हैं देश के महानुभाव, जिनके नक्शे कदम पर हम बढ़ाते हैं देश को आगे उन्नति की राहों पर। क्रेडाई एक माध्यम है देश के रियल एस्टेट डेवलपर्स को आवाम से जोड़ने का। क्रेडाई के दो अहम स्तंभ हैं, पारदर्शकता और विश्वास। क्रेडाई एक ऐसी स्वतंत्र संस्था है जहां आप रियल एस्टेट से जुड़ी अपनी किसी भी जरूरत, शिकायत या सुझाव बेझिझक दे सकते हैं, और निश्चिंत तौर पे आपके सुझावों को सुना जाएगा, अपनाया जाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और आपकी जरूरतों का सम्मान किया जाएगा। 1999 में स्थापित क्रेडाई आज 23 राज्यों और 171 शहरों में उपस्थित है और अब तक करीब 11,940 सदस्य हैं। भारत में सबसे बड़ा सेक्रेटरिएट ऑफिस क्रेडाई का है, जिसमें करीब 200 लोग कार्यरत हैं। क्रेडाई 2012 से हर साल नेटकॉन का आयोजन करता आया है, जहां देश की बड़ी हस्तियों और नेताओं के नेतृत्व में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है और ग्राहकों के हित में नई नीतियां एवं नए लक्ष्य बनाए जाते हैं। इस साल नेटकॉन 10, 11 और 12 अगस्त को लंदन में आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा हर साल अलग अलग थीम्स पर होने वाली क्रेडाई कॉन्क्लेव में हजारों डेवलपर्स एकजुट होकर व्यवसाय के भविष्य की रणनीतियों पर विचार विमर्श करते हैं, और साल में 2 से 3 बार क्रेडाई ECGC मीटिंग्स रखी जाती हैं, जहां सभी राज्यों के प्रेसिडेंट्स और कमिटीज के चेयरमैन मौजूद होते हैं। ECGC मीटिंग्स का उद्देश्य बड़े और बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करके निष्कर्ष निकालना होता है। क्रेडाई मानता है कि जिंदगी के सफर में हम सफर हमेशा खुश होना चाहिए, और क्योंकि हमारे सफर में हम सफर आप हैं, क्रेडाई ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम CGRF की स्थापना आप ही के लिए की गई है, जहां किसी भी डेवलपर के खिलाफ आपकी जेन्युइन शिकायतों का समय सर निवारण किया जाएगा और जिसके द्वारा हम डेवलपर्स और आपके बीच में एक सकारात्मक रिश्ता कायम कर सकेंगे। ग्राहकों की शिकायतों को सुलझाने के लिए क्रेडाई ने हाल ही में IAS और एक्स सुप्रीम कोर्ट जज को भी शामिल किया है। क्रेडाई का CSR विंग विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है, जिसमें अन्य प्रोग्राम्स चलते हैं जो असक्षम वर्ग के लोगों को सही राह दिखा सके। क्रेडाई एजुकेशनल स्कॉलरशिप फंड एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो सिविल इंजीनियरिंग कोर्सेज, आर्किटेक्चर कोर्सेज और अन्य रियल एस्टेट से जुड़े इंजीनियरिंग कोर्सेज में पढ़ते पिछड़े वर्ग के बच्चों को आर्थिक सहायता मुहैया कराते हैं। क्रेडाई द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट और डिस्पोजल के लिए क्रेडाई क्लीन सिटी मिशन का आगाज किया गया, जिसके तहत कम्युनिटी लेवल पर भी कूड़े को एकत्रित करके उसका सही तरह से डिस्पोजल किया जाए, उसके लिए एक नई पद्धति बनाई गई है। ये नवीन पद्धति इतनी कारगर है कि इसे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की वेस्ट मैनेजमेंट मैनुअल में भी स्थान दिया गया है। क्रेडाई द्वारा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की कुशलता को बढ़ावा देने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का भी आयोजन किया गया है, जिसमें वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स जैसे प्रोग्राम्स किए जाते हैं। साथ ही सरकार के साथ मिलकर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ ऑन साइट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इत्यादि भी आयोजित किए जाते हैं। इन प्रोग्राम्स के अंतर्गत आज तक करीब 50,000 वर्कर्स कौशल ट्रेनिंग ले चुके हैं। क्रेडाई ग्रीन बिल्डिंग्स कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देने के लिए हर साल प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन भी किया जाता है, और अच्छी CSR एक्टिविटीज को सराहने के लिए क्रेडाई साल दर साल CSR अवार्ड्स का आयोजन भी करता है। अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलने के पहले से ही क्रेडाई अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने की अनेक कोशिशें करता आया है, जिससे कि माननीय प्रधानमंत्री श्री के सपने को हकीकत में बदला जा सके। क्रेडाई के सफर का सही पड़ाव तब आएगा जब अपनी कोशिशों से और माननीय प्रधानमंत्री श्री के आदर्श नेतृत्व में भारत को एक नए भारत में तब्दील कर देगा। एक ऐसा भारत जो स्मार्ट हो, कुशल हो,
शिक्षित हो, साक्षर हो और स्वच्छ हो, तभी तो क्रेडाई का अगला मुकाम है न्यू इंडिया समिट, जो नवंबर में नागपुर में होने जा रही है। क्योंकि क्रेडाई का सफर तो बस शुरू हुआ है और कुछ कर दिखाने का एक ही मंत्र है, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।